भागलपुर के ललमटिया थाना क्षेत्र के रेलवे ट्रैक पर एक युवक की संदिग्ध अवस्था में बॉडी मिली है। लोगों की माने तो रेलवे पटरी क्रॉस करने के क्रम में ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। लेकिन मृतक की पत्नी का कहना है कि उसके जायदाद पर ननद एवं उसके बेटे की नजर थी। जमीन जायदाद के चलते मेरी ननद सुनीता और पिंकू ने अपने भाई को मरवा डाला। एक दिन पहले मेरी ननद रजिस्ट्री करवाना चाहती थी, उससे पहले भी जमीनी विवाद को लेकर कुछ झड़प हुआ था। मिर्जा की पत्नी ने यह भी बताया कि मेरी ननद के बेटे अमित ने इन्हें 3-4 बार कॉल किया था, तभी वह 3 बजे के करीब घर से निकले और रात तक वापस नहीं आए, तो फिर हम लोगों ने खोजबीन शुरू की। फिर पुलिस की सूचना से हम लोगों को पता चला कि मेरे पति की हत्या हो गई है और वह ललमटिया थाना क्षेत्र के करीब रेलवे ट्रैक पर मृत अवस्था में है। मिर्जा की पत्नी ने इस घटना का पूरा आरोप अपने ननद और उसके बेटे अमित पर लगाया है। हालांकि पुलिस छानबीन में जुट गई है, सच का पर्दाफाश जल्द सामने होगा। मृतक अपने पीछे पत्नी के साथ 2 छोटे बच्चे भी छोड़ गए हैं। घर से निकला था, क्या कहते हैं, वही 3:30 या 3:15 हो रहा था। समय टाइम को इतना पता नहीं था। घर से निकलने से पहले उसका भगना का 1 बजे कॉल आया है, उसके बाद बात किया है फिर 2-3 बार उससे, फिर से भगना का कॉल आया है अमित का, ठीक है। उसके बाद से फिर वो ना घर से निकला है। घर से निकला तो हमको बोला क्या कल जमीन रजिस्ट्री सोमवार को कराएंगे। हम दीदी से इसके विषय में बातचीत करके आते, हमको इतना सा मेरा सोना बोल के हमसे गया। हीरा आ गया है, आपसे बात नहीं करेगा, लेकिन मेरा सोना मेरा घर नहीं आया था, ठीक है। मोबाइल छोड़ के जल्दबाजी में वो निकल गया, मेरा सोना रहता तो मोबाइल हम घुमा लेते ना उसको। उसके बाद फिर से क्या कहते हैं बोला कि जमीन लिखाएंगे, हम दीदी से इस मैटर में बात करके आ रहे हैं, ठीक है, बड़ी वाली बहन से, उसका नाम सुनीता और पिंकू, दो नाम है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं वहाँ गया, जाने के बाद से फिर ना जब मतलब उसका भगना कॉल किया, फिर से जब टाइम होने लगा ज़्यादा तो मेरा मन नहीं मानने लगा ना, तो हम 9 बजे मोबाइल छोड़ के गया था, हम उसको कॉल नहीं कर सकते थे। 9 बजे फ़ोन किए कि हो सकता है बहन से बात करके सजोर चल गया होगा, कल लिखा पढ़ी करवाने वहीं आएगा, और दबाव बना रही थी कि मेरे नाम से जमीन लिखने के लिए वो भाई के नाम से। और क्या कहते हैं वो 1 दिन पहले 2 दिन पहले मेरे साथ वहाँ सजोर में मारपीट भी हुआ, उसका फोटो मेरे पास है, मिल के सब मारिए। जो क्या चाहता था वो सब यही चाहता था कि न किसका घर उजड़ जाए, भाई को मरवा संपत्ति लेने के लोभ में थी। आज क्या लग रहा है, संपत्ति नहीं चाहिए हमको, इंसाफ चाहिए।